क्या आप कभी एक पेंसिल के लिए 10 लाख रुपए दोगे? शायद नहीं। शायद क्या, बिल्कुल नहीं। बट इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि पेंसिल के लिए 10 लाख रुपए देते हैं, रियली। और साइंटिस्ट्स एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में सोच के मेरे को डर लग रहा है कि दुनिया खत्म ना हो जाए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली मोबाइल कंपनी जो कि है मोटोरोला, उसने एक अजब सा इनोवेशन लाया है। पता है क्या, मोबाइल आप फिंगरप्रिंट से खोलते हो, फेशियल रिकॉग्निशन से भी खोलते हो, पासवर्ड से भी खोलते हो, पिन से भी खोलते हो, एडिबल पासवर्ड पिल। ऐसा है ना कि ये लोग गजब काम किए, बिल्कुल आप चौंक जाओगे सुन के कि आपका फोन आप ही खोल सको। इसके लिए इन्होंने एडिबल पासवर्ड पिल निकाला है, जिसको कि जब आप नॉर्मल पिल की तरह खाते हो, पानी पीते हो, और जब आपके स्टोमक एसिड से ये मिलता है पिल, तो एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह पावर करते हैं और वो 18 बिट का ECG सिग्नल जनरेट करता है आपके बॉडी में। मतलब टेक्निकल हो रहा है, लेकिन समझो कि आपके बॉडी में एक यूनिक टाइप का वेव जनरेट करता है जिसको कि मोबाइल रीड कर सकेगा। तो फिर आपका पूरा शरीर एक तरह से ऑथेंटिकेशन डिवाइस बन जाता है। फिर जब आप मोबाइल को लेते ही हो, तब फोन पहचान जाता है कि वो आप ही हो, और इस एडिबल पासवर्ड पिल से फिर आप अपने मोबाइल फोन गैजेट्स ये सब को अनलॉक कर पाओगे। देखो, मैं तो कभी भी पिल विल नहीं खाने वाला सिर्फ मोबाइल के पासवर्ड के लिए। क्या अजीब अजीब काम सब करते हैं ये लोग, गजब है, मतलब गजब। फैक्ट नंबर 18, देखो ये एक बहुत ही डीप सा फैक्ट है। जो आप सांस लेते हो, इसके लिए आपको कॉन्शियस नहीं होना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। मतलब ये नहीं कि आपको हर सेकंड कॉन्शियस होकर सांस लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो मर जाओगे। वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ही सांस को ले लेता है, या फिर पलक झपकाना भी आप कॉन्शियसली कर सकते हो, लेकिन जब ध्यान नहीं देते हो पलकों पे, तो वो अनकॉन्शियसली ही हो जाता है। तो क्या है कि डॉल्फिन्स में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं, उनमें ये नहीं होता है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि डॉल्फिन ऐसे सोती है, उसका एक आंख खुला रहता है और दूसरा बंद। वो इसलिए जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि वो सांस कॉन्शियसली लेती है। डॉल्फिन अगर कॉन्शियस ना रहे, सांस नहीं ले, तो वो मर जाएंगी। उनको कॉन्शियसली लेना पड़ता है, इसलिए जब वो सोती है तो उसका ब्रेन का हाफ पार्ट ऑन रहता हमेशा, ताकि सांस को वो जारी रख सके। बहुत गजब बात है ना, मतलब डॉल्फिन का सांस ऑटोमेटिक नहीं होता है, बल्कि कॉन्शियसली कंट्रोल्ड होता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपने कभी टूथ इन द आई सर्जरी के बारे में सुना है? टूथ इन द आई सर्जरी, इसका मतलब दांत को लेके आंखों में लगा देना। अब ये कौन करता है भला? लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सदियों से होता आ रहा है। सर्जन्स जो होते हैं, वो दांत को आंख में लगा के आई साइट को ठीक कर देते हैं, और ये चीज आज भी होती है, वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि एक जीब्रा और एक ऑस्ट्रिच के बीच में रिलेशन क्या होता है? जेब्रा, जीब्रा, जो भी ये होता है, इसका आई साइट बहुत कमजोर होता है और ऑस्ट्रिच सुन नहीं पाती है ठीक से। तो आप समझ ही सकते हो कि नेचर में ऐसा नियम बना हुआ है कि अगर किसी के पास कोई कमी है, तो उसको दूसरा क्रिएचर पूरा करेगा, तो ये बेनिफिशियल होता है और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो जेब्रा और ऑस्ट्रिच का भी एक रिलेशनशिप है, ये साथ में मिलके हंटिंग सिग्नल्स अपना एक दूसरे का हेल्प करते हैं, वार्निंग, डेंजर, ये सब साथ मिल के ये लोग करते हैं, जहां भी ये लोग आसपास है उस जगह पे। फैक्ट नंबर 15, सैमुअल एच रेसहेविस्काई, ये एक प्रोडिजी चेस प्लेयर थे बचपन से ही, और इनका आप फोटो देख सकते हो। लेकिन सबसे गजब बात ये है ना कि जब ये बहुत छोटे से, बस इतने से थे ना, तब ये बड़े बड़े चेस प्लेयर को भी जो हरा देते थे। आप इस फोटो को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि वही इतने छोटे खड़े हैं इतने सारे प्लेयर्स के साथ, और ये कमाल का काम किए थे। सामने में अलग अलग लोग चेस खेल रहे थे उन्हीं के साथ, और वो अकेले खेल रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि प्लेयर नंबर 1 का पहले चाल चल रहे थे, फिर जाके हाँ तेरे को भी देखता हूँ, दूसरा का खेल रहे थे, अरे तू भी तो बच्चा है, हाँ क्या करूं, ये तीसरा का भी। तो वो अकेले साइमल्टेनियसली 3 प्लेयर 4 प्लेयर को एक साथ हरा दे रहे थे। मास्टर चेस प्लेयर्स को अकेले एक बच्चा हरा दे रहा था। फैक्ट नंबर 14, आप जब सैर करते होगे या फिर गांव वगैरह में जाते होगे, तब आपको रोड पे जो होता है ना, किलोमीटर इतना बाकी है ये जगह पे आप जा रहे हो, वो लिखा रहता है, तो उसमें जो
कलर होता है ना उसका भी मीनिंग होता है। ज्यादातर आप ये देखना कि आप मेन रोड पे जाओगे तो येलो कलर दिखेगा, तो येलो कलर दिखाता है कि आप नेशनल हाईवे पे हो, मतलब हमारे रोड सिस्टम का सबसे टॉप लेवल पे हाईवे पे हो आप, जो कि सबसे बड़े जगहों को कनेक्ट करता है। उसके बाद लोअर रैंक के रोड्स आते हैं, वो पहला रहता है, और वही ग्रीन रहेगा, ग्रीन कलर का, तब समझ जाना कि वो हाईवे से भी लो लेवल का रोड है, मतलब वो रोड जो कि गांवों को आपस में कनेक्ट करता है। तो ग्रीन और येलो ये दो कलर ही सबसे ज्यादा दिखते हैं। फैक्ट नंबर 13, मुझे घूमने का जो ड्रीम है, एक जगह मेरे को जाना है जो कि ऐसा जगह लंदन में मौजूद है और सऊदी अरेबिया में, रेन रूम नाम के जगह पे जाना है। वो ऐसे रूम होते हैं ना जो कि ऐसा डिजाइन रहता है कि आपका बॉडी जहां भी होगा वहां पे पानी नहीं पड़ेगा, बस आपके आगे पूरा पानी पानी बारिश होता रहेगा। वो रूम इस तरह डिजाइंड है कि आप ऐसे कैप्चर करना चाहोगे कि मैं पानी पकड़ लूं तो आपके हाथ में पानी गिरेगा ही नहीं, मतलब आप पानी को पकड़ ही नहीं पाओगे, पूरा रूम में बारिश हो रहा होगा आर्टिफिशियल, जहां पे आप हो गए वहीं पे बारिश नहीं हो रहा होगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे पानी में, मतलब ये बहुत कूल रहेगा। तो रेन रूम इस दुनिया में मेजरली दो जगह पे मौजूद है, लंदन और सऊदी अरेबिया। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि पिगी बैंक जो होता है, आपके घर में पिगी बैंक है क्या, वो जिसमें सिक्का इकट्ठा करते हैं, वो पिग के शेप पे भी आता है, बट पिगी बैंक को पिगी बैंक ही क्यों कहते हैं? क्या इसका कोई पिग से कोई कनेक्शन है, सुअर से कोई कनेक्शन है? नहीं, पिगी जो है ना, बैंक का मतलब तो एक जगह जहां पे आप पैसे जमा करो, वो तो ठीक है, पिगी कहां से आया? क्या है कि पिग, PYGG नाम का एक क्ले आता है, एक मिट्टी आता है जो कि उसको बनाने में यूज होता था बहुत पहले के टाइम से, तो इसलिए वो पिगी बैंक के नाम से फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 11, घूमने के जगहों का बात करें तो उस जगह पे भी मेरे को जाना है, इटली में, जहाँ पे मैकडोनल्ड्स का वो जगह मौजूद है जहाँ पे हम खाने के लिए तो जाएंगे ही, बट एक चीज को देखने जाएंगे और वो है इंसान का हड्डी, वो भी रॉ स्टेट में। जी हाँ, इटली में ये मैकडोनल्ड्स का ऐसा एक यूनिक सा, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप खाने जा सकते हो, स्टोर जहाँ पे आपको नीचे इंसान का हड्डी देखने मिल जाएगा। और हड्डी क्यों है भला? तो क्या है कि जब ये लोग स्टोर बना रहे थे तो वहाँ हड्डी मिला था, बट उसका रेस्पेक्ट करते हुए वो लोग उसी को एज अ शो केस कर दिए कि जो भी आएगा एक अट्रैक्शन बन जाएगा टूरिस्ट का, और वही हुआ, वहाँ पे इंसान का रियल हड्डी मौजूद है। शायद अथॉरिटीज ने भी अलाउ कर दिया होगा कि आप रख सकते हो हड्डी, इसमें क्या है। जब स्टोर बन रहा था तो ऑलरेडी वहाँ पे गड़ा हुआ मिला, तो उसको वो लोग ऐसे ही रॉ स्टेट में छोड़ दिए और अब शीशे के नीचे वही दिखता है। फैक्ट नंबर 10, ये देखो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट है और आप इसमें देख सकते हो कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 1 बिलियन रीच करने में पूरा लाइफ टाइम लग गया था 1803 तक, तब जाके वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 बिलियन हुआ था, फिर नेक्स्ट 124 साल में ही 2 बिलियन हो गया, फिर देखो कितने कम टाइम पे 3 बिलियन हो गया, फिर 4, 5, 6, 7 और देखो ये 8 बिलियन तो हो ही गया यहाँ पे, और करते 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 एक टाइम आएगा जब 11 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा, मतलब अभी 800 करोड़ लोग अभी इस दुनिया में है, और 11 बिलियन मतलब 1000 करोड़ से भी ज्यादा, 1100 करोड़ लोग। फैक्ट नंबर 9, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि एवरीवन इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स अबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। मतलब ये हम सब पे भी अप्लाई होता है कि अगर कोई स्कूल में कोई बच्चा है जो कि पढ़ने में कमजोर है तो सब कोई उस पर चढ़ जाते हैं, अरे पढ़ाई में अच्छा नहीं, कुछ नहीं करेगा, तू क्या करेगा, तू यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, पानी में जाएगा, ये करेगा। लेकिन अगर आप किसी मछली के एबिलिटी को, एक मछली कितने अच्छे से पेड़ पे चढ़ पाती है, इससे आप मापने लगो अगर मछली के एबिलिटी को, तो क्या सेंस बनाता है ये? ऐसे हम लोग का हाल है, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई और टैलेंट है आप में, कोई और इंटरेस्ट है, कोई और फील्ड आपको रुचि देती है माइंड में, तो उसपे भी तो करियर बन सकता है, उसमें भी तो पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली किया जा सकता है। तो ऐसा ही है, आप में शायद कोई और टैलेंट होगा, बट वही आपको सब पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ के एक रोबोट बन जाओ सिस्टम का, जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम है एकदम रोबोटिक, अ मशीन इज अ थिंग दैट वर्क्स, ऐसे रट रट के बोल दो तो आप एकदम सुपर हीरो हो और आप चीजों को समझो, तो ये करने से क्या होगा, मार्क्स लाना होगा। हाँ, आगे जाके जब लाइफ में रियल काम आएगा ना,
तब पता चलेगा। ये जो टीचर्स कहते हैं ना कि मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ, उन पे भी मेरे को सही में गुस्सा आता है कभी कभी। वो लोग खुद बच्चे को ऐसा पढ़ाते हैं जैसे कि मतलब रोबोट बैठे हुए हैं। कोई चीज को सेंस दे के पढ़ाओ, सेंसिबल वे से पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि हाँ उसको समझ रहे हैं हर कुछ को। तो टीचर्स भी वैसे ही लगे हुए हैं, उनको बस सैलरी मिल जाता है। और बच्चों का भविष्य को सीरियसली लेने वाले टीचर्स, ये तो मैंने सही में अपनी आंखों से नहीं देखा आज तक, मैं सच कहूँ तो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं, कम है वो भी, आजकल कम हो गए हैं आजकल की दुनिया में। तो इस कोड का बहुत डीप मतलब है, आप में कोई ना कोई टैलेंट जरूर मौजूद है जो कि आप उसको यूज करोगे तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। कुछ ना कुछ है, बस फाइंड करो उसको। फैक्ट नंबर 8, जब कोई स्टार एक्सप्लोड करता है तब उसे सुपरनोवा कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बट क्या आपने कभी हाइपरनोवा के बारे में सुना है? हाइपरनोवा, एक कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ, आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। सुपरनोवा जो है ना, वो हाइपरनोवा के सामने एक फायर क्रैकर की तरह है, एक पटाखे की तरह है। मतलब सुपरनोवा से भी हजारों गुना ज्यादा कोई एनर्जी से अगर कोई तारा हमारे ब्रह्मांड में फटता है तब उसको कहते हैं हाइपरनोवा। फैक्ट नंबर 7, आपने मार्वल मूवीज में वाइब्रेनियम के बारे में तो जरूर सुना होगा। एक इमेजिनरी मेटल, एक मेटल जो कि स्टील या फिर लोहे से भी बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो। ये सुनने में तो फैंटास्टिक लगता है, मूवीज में वाइब्रेनियम के तौर पर दिखाते हैं, बट काश ऐसा कुछ रियल में होता तो। एक इंटरेस्टिंग सी बात जो कि हमारे रियल लाइफ में है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यूक्लियर पास्ता, नाम तो फनी है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के कोर में न्यूक्लियर पास्ता नाम का एक मेटल फॉर्म होता है। और ये वोपिंग न्यूक्लियर पास्ता को तोड़ने के लिए, जैसे जिस फोर्स से हम लोग स्टील को ब्रेक कर सकते हैं, उसी फोर्स का 10 बिलियन टाइम ज्यादा फोर्स चाहिए इस मेटल को ब्रेक करने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए उसको ब्रेक करना। ये न्यूट्रॉन स्टार के क्रस्ट में फाइंड किया जाता है और इसकी डेंसिटी स्टील की डेंसिटी से, जैसे कि मैंने कहा, 10 बिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। मतलब जितना डेंस स्टील है जिसको इंसान मोड़ भी नहीं सकता आप खाली हाथों से, उससे 10 बिलियन टाइम, मतलब उस पे आप अगर 10 जेसीबी चढ़ा दो तब भी वो नहीं मुड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग है। उसको स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑफ आवर रियल यूनिवर्स, मतलब फिल्म में नहीं एक्चुअल ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, ये न्यूक्लियर पास्ता है। नाम अच्छा रखना चाहिए था, क्या पास्ता वास्ता कर दिया, लेकिन ये रियल वर्ल्ड का वाइब्रेनियम बन सकता है। फैक्ट नंबर 6, एक एक्सपेरिमेंट करना, आप रेत के एक दाने को लेना, छोटा सा जो इसके बीच में आ जाए, ग्रेन ऑफ सैंड को, उसको पॉइंट करना आसमान की ओर। तो आसमान में आप जब पॉइंट करोगे तो उस छोटे से दाने से उतना एरिया आपको आसमान का नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ओपेक है, और जहां पे आप उसको रखे हो उसके जगह का एरिया का ब्लैकनेस आसमान का नहीं देख पाओगे। तो सिर्फ उतने एरिया में ही करीब 10,000 गैलेक्सीज और 10 करोड़ तारे मौजूद हैं। इसका मतलब अगर आप स्पेस को देखो रात को और हाथ रख दो बीच में, तो जितना एरिया आपका हाथ के चलते नहीं देख पा रहे हो आप, सिर्फ इतना ही एरिया में करीब 1,00,000 गैलेक्सीज छुपी हुई है। मतलब हम लोग इतना दूर है जहाँ पे वो गैलेक्सीज है उससे इतना दूर है कि इतना एरिया ही वहां पे जाके इतना बड़ा एरिया है। जो हमें स्पेस ब्लैक दिखता है वो असल में ब्लैक नहीं है, वो गैलेक्सीज दूर जा चुकी है और हमारा नेकेड आई उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ब्लैक दिखता है, बाकी यूनिवर्स भरा हुआ है। फैक्ट नंबर 5, आप बार बार मिल्की वे के बारे में सुनते हो। मिल्की वे हमारे गैलेक्सी का नाम है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, और हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं। तो मिल्की वे को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। नॉर्मली ये वाला मैप देख लेंगे और मिल्की वे में सूरज का पोजीशन यहाँ पे है ये पता चल गया, लेकिन सूरज और मिल्की वे को कंपेयर करें तो उसको कंपेयर करने के लिए मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। मान लो एक रेत का दाना है, वो सूरज है। तो आपको पता है अगर रेत का दाना सूरज है, हम इसको सूरज मान ले, तो पूरा इंडिया का जितना चौड़ाई है, पूरा भारत का जितना चौड़ाई है, मतलब मैप पे गुजरात और असम के बीच में जितना डिस्टेंस है, वो बन जाएगा हमारा मिल्की वे इस इतने छोटे से दाने के कंपैरिजन में। आप सोचो असम से गुजरात कितना दूर है और ये रेत का दाना क्या है उसके सामने। तो अगर यूनिवर्सल स्केल में इमेजिन करें तो उसी रेशियो में सूरज
और हमारा मिल्की वे का जो पूरा ब्रॉड लेंथ है उसको आप कंपेयर कर सकते हो उसी रेशियो में। इतना माइंड ब्लोइंग है ये। फैक्ट नंबर 4, बेटलग्यूज नाम के तारे पे बहुत हलचल हो रही है, ये वैज्ञानिक डिटेक्ट कर रहे हैं, और वो तारा फटने वाला है। 600 लाइट ईयर डिस्टेंस है उसका। तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कि वो एक्चुअल में वहां पे फट गया हो। अभी हमें दिख नहीं रहा है फटा हुआ है, क्योंकि फट गया होगा भी ना तो लाइट को धरती पे पहुंचने में 600 साल लगेंगे। अभी भी फट गया होगा, और अभी इस टाइम अगर फट गया होगा तो आज से 600 साल बाद 2600 में हमें दिखेगा वो। लेकिन फट अभी ही गया है, 2022 में ही फट चुका है। कितनी अमेजिंग है ना यूनिवर्स। इसका मतलब एक कॉमन सा बात मैं आपको बताया था शायद पहले, कि अगर मान लो कि सूरज अचानक से गायब हो गया किसी कारण के चलते, तो अभी आपको नहीं दिखेगा कि वो गायब हुआ है, एक्चुअल में गायब हो चुका होगा, उसका प्रभाव पड़ रहा होगा हर जगह। लेकिन क्योंकि लाइट को सूरज से धरती पे आने में 8 मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट बाद जाके वो फोटॉन्स यहाँ आएंगे, आंख में हिट करेगा, तब दिखेगा कि सूरज फट गया है। मतलब अगर यूनिवर्स में कहीं दूर तबाही शुरू भी हो गई होगी, ब्लैक होल सब कुछ को खा रहा होगा ऐसा कुछ, तो उस इवेंट का लाइट नहीं पहुंच रहा इसलिए हम लोग देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन बिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर दूर मे भी कुछ हो रहा होगा, कुछ भयंकर सा, बट लाइट नहीं पहुंचे तो अच्छा है, शांति से जी पाएंगे ना। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, शायद इसका डिस्क्रिप्शन बोलना भूल गया था, कि मार्स पे ओलंपस मॉन्स नाम का एक चोटी है। धरती का सरफेस मान लो ये है, 8 किलोमीटर ऊपर यहाँ तक माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट का टॉप पे भी आप चले जाओ तो धरती का व्यू एकदम ऑसम मिलता है, राउंड कर्व आपको दिखता है। तो मान लो 8 किलोमीटर लंबा है माउंट एवरेस्ट, उसको अगर हम लोग 25 किलोमीटर बना दिए तब तो शायद आप लिटरली पूरा स्पेस की तरह देख पाओगे, है ना। तो ओलंपस मॉन्स जो सबसे लंबा चोटी है मार्स का, उसकी हाइट 16 मील यानी 25 किलोमीटर लंबी है, तो इसलिए अगर वहां पे कोई पहुंच पाया, और मार्स का साइज भी धरती से छोटा है, मतलब वो इतना ऊंचा है वो कि लिटरली आप स्पेस में आपको लगेगा आप हो, इतना उसका हाइट है, गजब जगह है वो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि नासा एक बहुत गजब सा अनाउंसमेंट किया है, कि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको 2031 में नासा मार डाली। क्या है कि जितने भी सैटेलाइट्स, मैनमेड ऑब्जेक्ट्स जो कि धरती का राउंड मार रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए जो एंटेना में टीवी चैनल्स पकड़ते हैं, ये सब के लिए जितना भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका वो ऐसा नहीं बनता है कि हमेशा चलेगा, उनका भी लाइफ होता है। हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का देहांत साल 2031 में हो जाएगा, कुछ 9-10 साल और चलेगा, उसके बाद बंद। और बंद होने के बाद क्या होगा आपको पता है? बंद होने के बाद क्या है कि आपको पता है ऐसे भी रिपोर्ट्स बहुत जगह आए हैं, जैसे कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि एक स्पेस क्राफ्ट बंद कर दिया गया था साइंटिस्ट द्वारा, और उसका फ्रैगमेंट डिसमेंटल होके धरती पे रैंडमली कहीं ना कहीं गिर रहा था, कई लोगों के घर के ऊपर गिर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में लिटरली ऐसा हुआ था। तो ये बहुत खतरा हो सकता है, तो फिर तो मतलब मेरे स्टूडियो पे भी तो गिर सकता है यहीं पे। तो इसलिए अब वो लोग स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग को ऐसा ऐसा करना होगा, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वो लोग धरती को थोड़ा घुमाओगे तो इस साइड बड़ा ओशन ही ओशन दिखेगा आपको, तो उस जगह पे वो लोग डुबाने का प्लान किए हैं। करीब 4 लाख किलो इसका वेट है, मतलब जब गिरेगा तो बहुत बड़ा स्प्लैश दिखेगा, ये जरूर रिकॉर्ड होगा कहीं ना कहीं। तो वेट करते हैं 2031 तक का। लेकिन ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके जगह और भी नए नए एडवांस्ड सैटेलाइट्स बन रहे हैं, और वो जब मरेगा तो फिर नया लॉन्च होगा, ऐसे चलते रहेगा। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे महंगा पेंसिल जो है फैबर कैसल कंपनी का है, और इसका सिंपल सा नाम है दी परफेक्ट पेंसिल, दुनिया का सबसे परफेक्ट पेंसिल, और इसका जो कीमत है वो है करीब $12,000 यानी 10.5 लाख रुपए के आसपास, और वो भी बिफोर GST, बिफोर टैक्सेस, जो हम लोग कहते हैं ना बिफोर टैक्स, टैक्स जोड़ के 11-12 लाख हो जाएगा। अब सवाल आता है कि पेंसिल का इतना कीमत क्यों होगा रे, कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई नहीं होती उतनी जितना एक पेंसिल की कीमत है। दुनिया बहुत गजब है रे। तो क्या है कि कंपनी का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि ये जो पेंसिल है ये 240 साल पुराने रियल वुड से बना है, लकड़ी से, मतलब एक स्पेशल पेड़ होता है जो कि बहुत साल तक रहता है,
और वो बहुत कम बचे हैं। उन्हीं रेयर पेड़ों में से जो 240 साल से पुराने पेड़ है, कार्बन डेटिंग से भी पता किया जा सकता है पेड़ का एज। तो 240 साल से भी पुराने ऑलिव वुड, ऑलिव के लकड़ी का यूज करके ये पेंसिल को बनाया गया है। मतलब जब पेंसिल यूज करेंगे और उसको फिर छिल छिल के यूज करेंगे तो जो वेस्ट होगा उसका भी कीमत लाखों में होगा, क्योंकि वो वुड इतना पुराना है। उस 240 साल पुराने वुड की कीमत है, दैट्स गजब। ये कंपनी जर्मनी की है और जर्मनी तो जाना ही जाता है अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए। और भी बहुत सारे पेंसिल्स है, जैसे कि एक द माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक नाम का ये पेंसिल, इसका कीमत है $4,000, मतलब करीब 3-3.5 लाख रुपए। सस्ता ही है, उससे तो सस्ता कौन लेता होगा मेरे को नहीं पता। बट इतने अमीर बनो ना कि ऐसे 10 पेंसिल आप अपने बच्चों को दे पाओ भविष्य में, जस्ट किडिंग। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।